गाइस आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो। गाइस आप सबको अभी भी समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आप सब जैसे कि पढ़ रहे हो रट्टा मार के, तो एक दिन पढ़े तो दूसरे दिन वो भूल जाते हो, और फिर और अगर आप सब समझ के पढ़ते तो डे टाइम तक याद रहता है। अगर रिवाइज मारते तो कोई कोई क्वेश्चन ज़िंदगी भर याद हो जाता है समझ के। और डॉक्टर लोग भी तो वही समझ के इलाज करते हैं किसी का, मतलब अगर उन लोगों को समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, वो भी पढ़ाई करके पढ़ाई समझते तभी तो जाके इलाज कर पाते हैं उन लोग का। अब गाइस अगर आप तो सोचते हुए कि एक वर्ड का मतलब बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता गाइस, तो क्योंकि कोई कोई वर्ड का एक ही वर्ड का मतलब 10 हो सकता है। इंग्लिश में ऐसा है गाइस, आप सब यूज़ करने लगेंगे तो गाइस सो माने की होता है, ताकि भी होता है, सो बहुत कुछ हो रहता है, मतलब उतना नहीं याद उसका सो का मेरे को पूरा बहुत मतलब है गाइस। इसीलिए गाइस आप सब अगर उसके मेन मेन वर्ड को भी समझ लिए, जैसे कि मेन ऑर्गेनाइजम हाउ आर ऑर्गेनाइजम, ऑर्गेनाइजम कैसे होता है, कैसा होगा, हो तो एक एक वर्ड का मतलब जानना ज़रूरी है गाइस। और नहीं भी जानेंगे तो भी समझ सकते, क्योंकि एक एक वर्ड का सब मतलब नहीं जानते।